हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के क्विक स्मार्ट एजुकेशन में। और आप लोगों की डिमांड और रिक्वेस्ट पे मैंने एज बेस्ड क्वेश्चंस को फिर से एक यूनिक मेथड और विदाउट फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि इन क्वेश्चंस को भी हम लोग कैसे विदाउट यूजिंग फार्मूला हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर्स लाना। और आपसे साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एज बेस्ड क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग फॉर्मूला एंड यूनिक मेथड। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, हमसे यहाँ पे जो शेखर है, शेखर की हमें प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चंस को मैं ना आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपको बस देखते ही आंसर लगाना है, और दूसरा है हमारा विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस से सॉल्व करके बता दूंगा, है ना। और आपको जो बेटर लगे उसमें आप अपने आंसर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस के। तो चलिए पहला हम देखते हैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन रूल्स, ठीक है। तो देखिए, हमसे विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे रखा है 14:17, ओके। और हमसे शेखर की पूछ रहा है हमें वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखिए, शेखर हमारा ये है ना, तो शेखर की जो प्रेजेंट एज होगी, ये हमारा शेखर है, और शेखर की जो प्रेजेंट होगी एज होगी वो 17 का मल्टीपल होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन से 17 का मल्टीपल हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो 17, हाँ, ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। 51, हाँ, तीन टाइम जाता है, तो ये भी हमारा मल्टीपल है, तो आंसर हो सकता है। और 34 भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हाँ, 28 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 17 28 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इस रूल से हमारा चौथा ऑप्शन कट गया, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:20। तो मतलब कि ये जो 6 वर्ष बाद है, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:20। तो हमें देखना है कि 6 साल बाद जो शेखर का मल्टीपल होगा वो हमारा 20 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और मल्टीपल भी होगा। तो देखिए, अब इसमें देखिए, अब सपोज करते हैं कि हमारा ऑप्शंस लेते हैं, अब कि हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर 51 है, ठीक है। तो ये 51 आंसर हो गया सपोज किया। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि अपने आंसर्स की, जो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हम 6 वर्ष ऐड करेंगे, तो ये मैंने 6 ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:20। तो अब जो ये 57 आया है ना, ये मुझे देखना है क्या 20 का मल्टीपल है, तो नहीं, ये 20 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब 51 भी हमारा आंसर नहीं है। अब हमें अपना देखना है 17, देख लेते हैं क्या है हमारा ये आंसर है। तो 17 सपोज हमारी प्रेजेंट एज है शेखर की, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, 6 वर्ष हमें इसमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो देखिए, अब 6 वर्ष बाद क्या इनकी आयु का अनुपात हमारा 17:20 हो रहा है, मतलब शेखर क्या 20 का मल्टीपल हो रहा है, तो नहीं, 23 भी हमारा 20 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब जो बचा हमारा आंसर 34, तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए, इसको सिंपल वेरीफाई करते हैं, मानते हैं 34 शेखर की प्रेजेंट एज है, ठीक है, इसमें हमें 6 वर्ष ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो गया। तो अब देखिए, हाँ, ये 20 का मल्टीपल जा रहा है, तो
ये हमारा आंसर राइट है। ठीक है, ये है ऑप्शन एलिमिनेशन रूल, जिसको आप बस देखते ही आंसर लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, जो है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बस सिंपल हम उसमें रेशियो को इक्वेलेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वाला। अब देखिए, मेरा दूसरा मेथड होगा, हमें रेशियो कितने दे रखे हैं, वर्तमान प्रेजेंट एज इनकी कितनी है, 14:17। ठीक है, और फिर 6 वर्ष बाद इनकी रेशियो कितना हो जाएगा, 17:20। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इन रेशियो का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3। इसका भी डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना आया, 3, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है 6। तो फिर वही क्या है, क्वेश्चंस एंड आवर मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 6/3 ये हमारे मेथड अकॉर्डिंग आया, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की हमें वर्तमान आयु का रेशियो कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो ये शेखर शेखर की हमें प्रेजेंट एज कितनी दे रखा है रेशियो में, 17। तो हमें जस्ट इस जो हमने अपना आंसर निकाला है आवर एंड क्वेश्चन मेथड से, उसमें ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 34, जो कि हमारा आंसर है। अगर अब हमसे क्वेश्चन में हमसे अगर विशाल की एज पूछता, तो हम लोग विशाल की एज में मल्टीप्लाई कर देते। विशाल की एज पूछता तो विशाल का रेशियो प्रेजेंट एज में कितना दे रखा है, 14। ठीक है, और मल्टीप्लाई/2 कर देते तो कितना आ जाता, 28। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता विशाल के, अगर विशाल का पूछता, शेखर का पूछा है तो शेखर का ये एज है ना। अब देखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग विशाल की भी एज निकाल सकते थे, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम में बताया है ना अभी, तो उसी तरह हम विशाल के भी एज को वेरीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग उसकी निकाल लीजिएगा प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स में। देखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7 था। ठीक है, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो हमसे यहाँ पे मीरा की आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग इसको शॉर्टकट में करते हैं। ठीक है, सिंपल चीप बेस्ट मेथड है, आप लोग भी इसी तरह फॉलो किया कि ये आंसर्स निकालने में। ठीक है, अब देखिए रेशियो में कितना दे रखा है, प्रेजेंट एज हमारी कितनी है, 3:4। ठीक है, और फिर क्या कहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है रेशियो का। तो देखो, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब जो ये 1 और 3 आया ना, हमें इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 को हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:12। ठीक है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो कितना हो जाएगा, 4:7। ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस हमारा सेम आ जाएगा, 9-4, 5। ठीक है, और 12-7, 5। तो रेशियो हमारा सेम आ गया, हमारा पर्पज़ ही रेशियो सेम करना होता है। तो फिर अब अपना वही क्वेश्चन एंड आवर मेथड, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना दे रखा है, 10। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आया है, 5। ठीक है, जब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और हमसे क्या पूछ रहा है, मीरा की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मीरा था, ये मीरा का रेशियो चल रहा था इधर, और ये हमारी प्रिया का रेशियो था। तो ठीक है, ये हम लोगों ने प्रेजेंट निकाली है, तो अब जो हमने ये अपना क्वेश्चन आवर से आंसर निकाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9/2, तो कितना आ गया, 18। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष बाद, है ना, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23 ईयर्स, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अब अगर हमसे प्रिया का पूछता तो हम 12 में मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, बट हमसे तो प्रिया का पूछा, मीरा का पूछा था आंसर, तो हमने सिंपली मीरा के एज में जो प्रेजेंट एज थी उसमें मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मीरा की एज थी, और प्लस 5 ऐड कर दिया, क्योंकि हमसे 5 वर्ष बाद पूछ रहा था मीरा की आयु कितनी होगी, तो ये 18 + 5 = 23, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे रखा है 13:17। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, हमसे सिंपल सा क्वेश्चन है और हम इसको सिंपल से शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर निकालेंगे। तो देखिए, अंजू, ये हमारी अंजू हो गई, और संध्या, ठीक है, इनका प्रेजेंट रेशियो कितना दे रखा है, 13:17। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट में है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ लॉजिक बेस पे आंसर निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। और फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, कितना था, 11:15, 11:15। ठीक है, ये 4 ईयर बिफोर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इनका रेशियो मुझे इक्वेलेंट करना होता है, तो सिंपल, अब देखिए रेशियो हम लोग इक्वेलेंट करते हैं, 13 - 11 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और 17 - 15 कितना हो गया, 2, तो रेशियो हमारा इक्वेलेंट हो गया। अब देखो क्वेश्चंस और आवर, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 2, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, ये 4, तो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग आंसर आया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब जो ये हमारा 2 आया है ना, इसको हमें प्रेजेंट एज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 13 × 2 और 17 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 26:34। ठीक है, और 6 वर्ष बाद पूछ रहा है हमसे, तो हम दोनों में 6 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और ये हमारा 38 हो जाएगा। तो अब इसी एज का हमें रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना अनुपात कितना होगा, तो अब हम इसको कट कर देते हैं, 32:38, तो हमसे ये 2 से कट रहा है, तो हम इसको 2 से काटेंगे, तो हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, 16:19। ठीक है, अब ऑप्शन देखना है, तो हमारा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे 16:90 का नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस। ठीक है, ऑप्शन 5th इज राइट आंसर। ठीक है, यही ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, एज के क्वेश्चंस सिंपल से शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 9:16 है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। अब हमें ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और अपने लॉजिक बेस पे आंसर फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट विदाउट फॉर्मूले में भी। तो सिंपली शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग इनको सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें सीमा है और रीमा, ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है हमें, 9:16। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, अब डिफरेंस हमें लेना होता है इनका, तो देखिए 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7, और 3 - 2 1। ठीक है,
अब जो ये हमारा 7 आया है ना, इसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 1 को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या बन जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 9:16, और 7 को जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14:21। ठीक है, अब देखिए हमें रेशियो इक्वेलेंट करना होता ना, तो देखिए यहाँ पे रेशियो इक्वेलेंट हुआ नहीं है, 7:1 आया है, तो वही हम यहाँ पे अब जब माइनस करेंगे तो हमारा रेशियो इक्वेलेंट हो जाएगा। तो देखिए 14-9 5:21-16 5। तो देखिए रेशियो सेम हो गया ना। तो अब देखिए क्वेश्चंस और आवर मेथड, तो देखिए हमारे मेथड कितना आया 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 10, तो हम इसको सिंपली कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, इनकी प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज हम लोगों ने यहाँ से इनका रेशियो निकाला था, तो हम लोग क्या इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर डालेंगे लिए। तो 9:2:16:2, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 32। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर होगा, तो सिंपली हम इसका अंतर ले लेंगे डिफरेंस, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, 32-18 कितना हो जाएगा 14 ईयर, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4th इज राइट आंसर। देखा, सिंपल सी चीप बेस्ट आंसर थे हमारे, बहुत ही इजी मेथड के साथ सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष पूर्व शानिका और तथा गौरी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। ठीक है, और एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, तो शानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सिंपल, हम लोग फिर वही अपना क्विक स्मार्ट अप्रोच करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। तो देखिए हमें ये शानिका हो गई और दूसरी कौन हो गई, गौरी। ठीक है, अब हमें इनका एक वर्ष पहले यहाँ पे लिखा ना, एक वर्ष पूर्व, तो रेशियो कितना था 3:4। ठीक है, ये कितना है, एक वर्ष पहले, 1 ईयर बिफोर। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, तो ये कितना हो जाए 10:13 आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, अब क्या होना, क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस लेना है रेशियो का। तो देखो 4-3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर ये 10-13 3, तो रेशियो देखो सेम नहीं आया ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 3 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऊपर करेंगे और 1 का मल्टीप्लिकेशन नीचे करेंगे। ठीक है, तो फिर करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9:12 और ये 10:13। ठीक है, अब देखिए इनका जब माइनस करेंगे तो हमारा रेशियो इक्वेलेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 10-9 कितना हो गया 1। ठीक है, रेशियो 13-12 1। तो देखिए रेशियो हमारा इक्वेलेंट हो गया। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग क्या आंसर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है 2। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस एक वर्ष ये है और एक वर्ष ये है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो वही यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, और डिवाइड बाय 1, जो हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर आए 1। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सानिका ये पूरा ये पोर्शन सानिका का चल रहा है ना, तो ये सानिका का रेशियो है, तो यहाँ पे सानिका का हमें बताना है प्रेजेंट एज। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और हमसे हमसे एक साल यहाँ पे ऐड करना होगा, तो 1 डिवाइड प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, दिस इज आंसर।
ठीक है, अगर वही चीज़ यहाँ पे गौरी के लिए पूछता तो हम गौरी को मल्टीप्लाई करते, तो गौरी, अगर गौरी का सपोज आंसर पूछता तो गौरी का क्या करते, 24 + 1 कर देते हैं, क्योंकि 12 × 24 और +1 तो 25, तो ये गौरी का यूज रहता है। लेकिन हमें सानका का पूछा तो सानका का आंसर हमारा ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय उसकी जितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु 3 होल 2/7 गुनी है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु से 1/6 है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चंस करना है, और ये आपको बिल्कुल ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम देखिए आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले वर्तमान आयु निकालेंगे, तो वर्तमान लिख देते हैं प्रेजेंट, तो कितना दिखा रहा है, 1/7, तो हम लोग इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 9:7 डिवाइड बाई पूर्व, ठीक है, बिफोर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो जो हमारा 9 आया है ना वो प्रेजेंट है, और जो 7 आया है वो हमारा क्या होगा, पहले की, ठीक है, पूर्व। तो फिर ये अब देखो, प्रेजेंट इज टू पास्ट, तो प्रेजेंट एज क्या रही, 9 और 7 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इनका देखो डिफरेंस कितना हमें दे रखा है, डिफरेंस इसका 2 हो जाएगा ना, तो अब फिर हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे, तो देखो 2 किसके इक्वेलेंट है हमारा, 8 के, ठीक है, ये यहाँ पे है ना, और तो 1 पार्ट कितने के हो जाएगा, 4, ठीक है, और हमसे 9 पार्ट पूछ रहा है, तो 9 पार्ट कितने का हो जाएगा, तो 4 × 9, 9, ठीक है, तो जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, तो ये एज फरा की आ गई, ठीक है, और हमसे पुत्री की आयु पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या 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 करा, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु से 1/6 है, तो ठीक है हम पुत्री की आयु यहाँ से फाइंड करते हैं, तो 36 × 1/6 करेंगे, ओके, तो ये हमारा कट जाएगा 6 टाइम, तो कितना आ गया, 6 6 ईयर। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, तो ये प्रेजेंट है एज आ गई है ना, और हमें 3 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो 3 वर्ष पूर्व, तो मतलब कि क्या है, हमें 6 − 3 करना होगा, तो कितना आ गया, 3 ईयर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, सिंपल था, लॉजिक बेस्ड था, और सिंपल सा आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमें ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु से 3:3/4 गुनी थी। ठीक है, अब से 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु से 4/6 गुना होगी, तो श्याम की हमें वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसको लॉजिक बेस में हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे श्याम, ये श्याम हो गए, और ये हमारे राम, ठीक है, तो इनकी एज कितनी दे रखी है, 3 4, ठीक है, रेशियो में, और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 और 6, ठीक है। अब देखिए रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का आ रहा है ना, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 8, क्योंकि 8 वर्ष पहले और सॉरी 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 8 8 हो जाएगा ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग फिर यूनिटरी मेथड लगा देंगे, सिंपल है, इसको हम क्वेश्चन आवर के मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देते हैं।
तो ये यूनिटी मैटर लगाते हैं, तो देखो ये 2 हमें किसके इक्वेलेंट दे रखा है, 8 के, क्योंकि ये 4 ये कैसे आया है, 4 प्लस 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे पहले बात, तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा 8, और 1 पार्ट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और हमसे क्या पूछा, श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम का पार्ट कितना यहाँ पे है, श्याम का पार्ट हमें 3 दे रखा है, तो ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये श्याम का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आंसर, ठीक है, क्योंकि 4 वर्ष बाद भी तो पूछा है ना, तो ये 4 वर्ष हमें ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है राहुल और अमित की आयु का अनुपात हमें 5:6 है, 2 वर्ष बाद दोनों का अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का हमें रेशियो बताना है, तो ठीक है, ये हमारे राहुल हो गए और ये अमित, ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 5:6, ठीक है, और फिर 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7:8, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग क्या डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से इसका डिफरेंस आ जाएगा 2, तो देखिए रेशियो में डिफरेंस सेम आ गया, तो फिर क्या हमें क्वेश्चन आवर मेथड लगा देंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना दे रखा है 2, तो हम लिख क्वेश्चन में 2 और हमारे अकॉर्डिंग में कितना आया है 2, तो कट करेंगे तो कितना आएगा 1 आ गया, ठीक है। और फिर क्या पूछा है 12 वर्ष बाद, तो ये हम 12 वर्ष बाद आयु इनकी क्या हो जाएगी, ये इनकी प्रेजेंट एज थी ना, तो हम लोग 5 प्लस 1 रेशियो 6 प्लस 1, ठीक है, ये करेंगे तो यही हो जाएगा 5:6, और हमें इसमें क्या 12 वर्ष ऐड करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 17:18 आंसर, ओके, हमारा ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्ष पहले अजय और विजय की आयु का अनुपात 5:6 है, 6 था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो ठीक है सिंपल, फिर हम वही अपने पिछले क्वेश्चन की तरह इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये है अजय और विजय, ठीक है, रेशियो क्या दे रखा है 5:6, ठीक है, ये 5 ईयर बिफोर, ठीक है, हमें बिफोर दे रखा है, और 5 ईयर आफ्टर, आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी रेशियो, 7:8, तो ये 5 ईयर आफ्टर, ठीक है। अब देखिए हमें रेशियो सेम करना होता है, तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारा रेशियो सेम हो रहा है, तो देखिए फिर यहाँ पे हम इसको 7-5 2 और 8-6 2, तो देखिए रेशियो सेम आ गया, तो फिर अपना वही क्वेश्चंस और अवर मेथड फॉलो करेंगे, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना है 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर बाद है और 5 ईयर पहले, तो इनका जब डिफरेंस लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आया है 2, हमारे अकॉर्डिंग ये आया है 2, ठीक है, तो ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए अजय और विजय का हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है प्रेजेंट एज में, तो ये प्रेजेंट एज थी ना, तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेशियो 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 25:30, ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की एज है, ठीक है, 5 ईयर बिफोर, ठीक है, और हमें इसमें प्रेजेंट एज निकालनी होगी तो 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30:35, ठीक है। अब हमें इसका रेशियो ले लेना है,
तो इसको रेशियो हम जब इसको कट करेंगे, पाँच से कट करेंगे, तो ये हमारा रेशियो कितना दे देगा, 6:7, ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। देखा सिंपल था, हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमसे रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, अनुपात क्या होगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात हमें 2:3 था, तथा अब से 4 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 5:7, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो फिर ये हमारे सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको भी इसी वे में सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है यहाँ पे राम इज टू श्याम, ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है, 2:3, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 4 ईयर बिफोर, ठीक है, और 4 ईयर आफ्टर कितना हो जाएगा, 5:7। तो फिर हमें क्या है, इसका रेशियो का डिफरेंस लेना होता है। तो देखिए यहां से 5, तो यहां से देखिए डिफरेंस लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। फिर वही हम क्या पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को नीचे, तो फिर हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 4:6, ठीक है, और फिर ये 5:7, ठीक है। अब देखिए रेशियो हमारा सेम हो गया, अब देखिए 4 माइनस 5 करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और फिर 7 माइनस 6, 1, तो हमारा रेशियो सेम हो गया, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होगा, वो और 8 होगा, क्योंकि 4 ईयर पहले 4 ईयर बाद, तो कितना हो जाएगा, 8, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो अब देखो हमसे पूछा है राम और श्याम की प्रेजेंट एज, तो ये राम हो गए और ये श्याम, हमसे प्रेजेंट एज पूछा है ना, तो प्रेजेंट एज ये रही, तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32, और श्याम की निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक है। और हमें इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 4 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड करेंगे दोनों में, तो ये हमारी एज आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये था 36 और ये हमारी 52, जो कि आंसर है हमारा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें है, ऑप्शन 4th इज राइट, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी और सी की औसत आयु कितनी है, 84 वर्ष है, डी के शामिल होने पर औसत आयु 80 हो जाती है, ठीक है। एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है ए के स्थान पर आ जाता है, और बी सी डी और ई की औसत आयु 78 वर्ष हो जाता है, तो ए की हमें आयु बतानी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए हमसे यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी और डी का हमें कितना एवरेज दे रखा है, 80, ठीक है, और हमसे फिर और फिर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना दे रखा है, 84 वर्ष, ठीक है। तो अब यहाँ से हम डी जब फाइंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 84 माइनस, क्योंकि देखो एवरेज में 4 बढ़ा है ना, 80 जब डी शामिल हुआ था तो कितना जो इनका औसत एवरेज था वो 80 हो गई थी, कम हो गई, और जब डी बाहर निकला है तो देखो 4 बढ़ गई, तो मतलब क्या है, वो
चार बाहर लेके आ गया अपना, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 84 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा डी की एज, 68। तो ये हमारी डी की एज हो गई, ठीक है। अब देखो हमें ए बी प्लस सी प्लस डी दे रखा है 80, ठीक है, और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हमें कितना दे रखा है, 78। तो फिर हम यहीं पे अपना ए और ई निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 8, है ना। अब देखो हमें ई निकालना है, तो ई कितना हो जाएगा, 68 प्लस 4 इज इक्वल टू 72। और फिर हम ए ई इक्वल टू 8, जो ये आया है, यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू रख देंगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमें, मतलब ए का एज आ जाएगा। तो ए माइनस ई 72 माइनस इक्वलेंट टू 8, ठीक है। तो 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा 72 प्लस 8। तो ए की वैल्यू एज कितनी आ गई, 80। ये था हमारा लॉजिक, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।